राजधानी के खोनागोरिया के मदीना नगर में 5 सितंबर की सुबह अखबार के रुपए मांगने पर कुल्हाड़ी से हॉकर की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। लेकिन मामले ने सियासी परवान चढ़ना शुरू कर दिया है। विपक्ष के आरोपों से घिरी गहलोत सरकार बड़ा बयान देते हुए विपक्ष को धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। सीएम गहलोत ने कहा कि आरोपी को सजा मिले ये भावना सभी की है, लेकिन भाजपा के लोग हर चीज को धर्म के नाम से जोड़कर देखते हैं। गहलोत के इस बयान के बाद भाजपा सरकार पर पहले से ज्यादा हमलावार हो गई है और इस बयान को आरोपियों को बचाने वाला माना जा रहा है। दरअसल पूरा विवाद 5 सितंबर का है, जब हॉकर मुन्ना वैष्णव की रफीक खान नाम के व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से गर्दन काट कर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और पीड़ित परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। पुलिस की लाठी चार्ज में 20 लोग घायल हो गए थे। वहीं लाठी चार्ज के विरोध में बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा, रामचरण वोहरा और विधायक अशोक लोहाटी के अलावा भाजपा के कई नेता धरने पर बैठ गए। स्पेशल डेस्क से विपुल माहेश्वरी की रिपोर्ट, नवतेज टीवी।